नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मानक आपणकर प्रिय चैनल साई की सुन रे पुनी थरे स्वागत आशा बाबा को कृपारु आपण माने संपूर्ण भलो एवं सुस्थ थिबे जेपरि गत अध्याय रे आमे सुनिथिले श्री साई बाबा उदीर शक्ति तथा किपरि ताकु व्यवहार करिबा से विषय रे आउ जदि कोनोसी कारणवशतः ता देखिनांती तबे ऊपर दिया जायतिबा आई बटन रे क्लिक करी किंबा डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक रे मध्य क्लिक करी ता देखि परिबे। हां गत शनिवार संध्या रे आमे प्रस्तुत करथिलु श्री साई संदेश रो एक नुआ वीडियो जोंथिरे बाबा कहिछन्ती स्त्री बा नारी मानक क्षेत्र रे आमे केउं भूल करिबा आदो उचित नह। बाबांकर संदेश टी निश्चित सुनंतु। जेपरि आपण माने जानंती मंगलवार संध्या रे श्री साई लीला कथार एक नुआ अध्याय सुनिबार समय आउ सेही क्रम रे आज आसंतु श्रवण करिबा बाबांकर आउ एक अपूर्व लीला कथा। तेणु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा श्री साई लीला कथार 47तम अध्याय। प्रथम श्री साई बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा गुणगान प्रचार और अमूल्य उपदेश तथा चमत्कारिता को आपण मान निकट में पहुंचाइबा आमर लक्ष्य। हाँ जदि आपण प्रथम थर पर यह चैनल रे आमर वीडियो सब देखुचंती साई किशुन चैनल टी को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना तबे दयाकरी साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर दिंतु फलर आमर नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन प्रथमे पहुंचिबा सह आमर कोनोसी भी वीडियो आपण माने आदो मिस करिवे नाही। जय श्री साई। एबे आसंतु सुनिबा आजिर श्री साई लीला विषय रे। हाँ एठी कहि रखे आजिर विषय वस्तुटी अधिक लंबा होई पारे सुतरां एहाकु आमे तीनोटी भागरे सुनिबा। आज आसंतु जानिबा एहार प्रथम भाग विषय रे। आजिर विषय वस्तु हैला श्री साई बाबांकर मूल मंत्र कोन थिला एवं एथिरु आमे कोन शिक्षा पाई पारिबा कौन सतरे आमे तांको मूलमंत्र को निजर जीवनचर्यार उपयोग करुछंती। पूरा विषय सुनिला परे आपण मानको मोर अनुरोध निश्चित भावे आमे निजो को पचारिबा कौन आमे एही शिक्षा ग्रहण करिछंती कि नाही। आपण माने जेपरि जानंती बाबांकर नीति शिक्षा सबुठ अद्भुत और नियार थिला। सी केबे दीर्घ भाषण बा प्रवचन देउनथिले बरं जहा कहुथिले ताहाकु आचरण रे प्रयोग करि देखाउथिले जेकोनसी व्यक्तिर हृदय को तांकर बाणी अंतर्भेद करुथिला तेणु तांकर से सबू शिक्षा और बाणी भक्त मानक आदर्श उदाहरण स्थापन करिछे। आज आसंतु जानिबा बाबांकर श्रृंखलित दिनचर्या विषय रे। मनुष्यर प्रकृति साधारणतः चंचल गोटे मुहूर्त रे से आनंद रे गदगद हो जाए पुणी पर मुहूर्त रे दुखता को आच्छन्न कर बसे आउ एही समय रे अनेक प्रश्नता मध्य उंकी मारे आउ एहार कारण हेउछि आमे सबू कथारे एपरी दास बनी जाइथाउ कि प्रतिदिन आम मन को स्थिर रखिबा पई जो ध्यान आवश्यक ताहा आमको जणा न थाए सुतरां एथिपई आवश्यक होउछि एक श्रृंखलित दिनचर्या। सही दृष्टि बाबांकर एक रुटीन प्रणयन करथिले। सिरडी रे बाबा प्राय 60 वर्ष बास करथिले एवं प्रत्येक दिन गहम पेसुथिले। प्रत्येक दिन सकाळे से भिक्षा संग्रह रे जाउथिले। बायाजी बाई कोते पाटिल राधाबाई गोणकर नंदराम मारवाड़ी आपाजी कोते पाटिल और शांताजी भीमसान पाटिल घर सम्मुखें रही भिक्षा मागुथिले। प्रतिदिन से लेंडी बैग रे किछि घंटा ध्यानस्थ मध्य रहुथिले। सेठारे थिबा अस्वस्थ और निम्ब वृक्ष मध्य एक स्थान बाछि सेठारे एक अखंड दीपस्थापना करथिले आउ जहाँ आज नंदादीप नाम प्रसिद्ध। एहि दीपरे तेल भर्ती करिबा एवं दीपर जत्न नेबा कार्य प्रत्येह अब्दुल बाबा करुथिले। एठि कहि रखे जेपरि गत अध्याय कहिथिली आमर प्रतिटि यूट्यूब रो वीडियो तले एक सुपर थैंक्स रो बटन दिया जायछि एक डेमो वीडियो माध्यम रे जणाउछु एहाकु किपरि आपण माने व्यवहार करि परिबे। जदि चाहंती तबे आपण माने आमको एहि सुपर थैंक्स बटन माध्यम रे किछि अनुदान दे परिबे एवं आपणकर नाम आमे आसंता वीडियो रे घोषणा करिबो। यह आपण निर्भर करे आपण चाहिले साहाज्य करिबे बा न करिबे किंतु जदि एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करिनांती तबे दया करी साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं आजर वीडियो टी जदि आपण मानको भल लगे तबे गोटे लाइक मध्य कर दिंतु। पुणी थरे एठी कहि रखे जदि आपण अनुदान देउछंती तबे अनुदान सह निजर पूरा ठिकणा पिन कोड सह आमर व्हाट्सएप नंबर 6370198922 रे पठांतु कारण जो साई भक्त अनुदान देउछंती बाबांकर विभूति बा उदीर एक पैकेट आपणकर आड्रेस रे आमे निश्चित पठाइबार व्यवस्था करिवु। हाँ जो साई भक्त माने अनुदान देइछंती आपण मानक पाखकु बाबांकर एक उदीर पैकेट पठा जाय सारिछि। एबे आसंतु पुणी जीवा मुख्य कथा विषय को। सिरडीर उत्तर पूर्व दिगरे अवस्थित लेंडीबाग मर्त्यर जेपरि वैकुंठ प्रथम अवस्था रे बाबा सकाळु सकाळु लेंडीबाग को जाउथिले
ଗ୍ରାମର ସୀମାରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଏକ ନାଳର ନାମ ଥିଲା ଲେଣ୍ଡି। ତେଣୁ ନାଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜାଗାଟିକୁ ବାବା ଲେଣ୍ଡିବାଗ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଣ୍ଡିବାଗ ଯାଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ, ଏଇ ଯେପରି ବୁଟି ସାହେବ, ଭାଗୋଜୀ ଓ ନିମଣକର ଇତ୍ୟାଦି। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆମର ଆଜି ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ହେଉ। ହଁ, ବୋଧହୁଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ହଁ, ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? କି ସୁନ୍ଦର ବାବାଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା! ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳ ଅତି ମହାନ। ସଚ୍ଚା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜୟକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ହଁ, ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଇ ଭୋଜନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏହିପରି ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଲୀଳା କଥାର ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ।